वेल हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू रॉय झिकवे। रॉय झिकवे के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज का ये वीडियो संबंधित है जो हमारी ये सीरीज, हमारी ये श्रृंखला चल रही है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्यों से संबंधित है। और इस श्रृंखला में, इस सीरीज में, इस टेंस के तहत हम सीख क्या रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है कैसे हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, बदलते हैं। एक्टिव से पैसिव में सेंटेंसेस को कैसे बदला जाए, इसी बारे में आज हम चर्चा एक बार पुनः आप सभी के लिए करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा वीडियो को, अंत तक देखिएगा ताकि आप इसका पूरा लाभ ले सकें और इसका बेनिफिट ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित सेंटेंसेस को ले रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस की चर्चा किया हुआ था और उससे पहले एफर्मेटिव सेंटेंसेस की चर्चा हम कर चुके हैं। तो यदि इनके बारे में और ज्यादा डिटेल लेना है, आपको विस्तार से जानकारी लेना है, तो हमारे पिछले वीडियोस का आप अध्ययन कर लीजिएगा और उनके पश्चात जब यहां आएंगे तो ये चीजें और बेहतर ढंग से आपकी समझ में अवश्य आ ही जाएंगी। तो वेल डियर स्टूडेंट्स, यहां हम देख रहे हैं डिड ही राइट ए लेटर। डिड यहां पर जो हिंदी में सेंस देगा वो होगा क्या, हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट हो जाता है, ये आपके लिए मेन वर्ब है और यहां पर ए लेटर एक ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। तो यहां पर आपको यह समझना है कि डिड ही राइट ए लेटर को कैसे हम पैसिव सेंटेंसेस में बदल सकते हैं। एक्टिव सेंटेंसेस में हमारा मुख्य फोकस होता है सब्जेक्ट पर, कर्ता पर, लेकिन जब इनको हम पैसिव में बदलते हैं तो हमारा फोकस चेंज होता है और अब हमारे पास यहां पर जो ये ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास मेन हो जाता है। यानी पैसिव सेंटेंसेस में हमारा फोकस चेंज होता है ऑब्जेक्ट पर, कर्म पर, कर्म ही यहां पर प्रधान है डियर स्टूडेंट्स। तो इस कर्म को ध्यान में रखते हुए हमने यहां पर, क्योंकि ए लेटर है, एक पत्र है, हेल्पिंग वर्ब हमने यहां पर वॉज का यूज किया हुआ है डिड के स्थान पर। तो वॉज ए लेटर रिटन बाय हिम यहां पर था, डिड ही राइट ए लेटर, क्या उसने एक पत्र लिखा, लेकिन यहां सेंस बनना है क्या एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया, वहां सेंस था क्या उसने एक पत्र लिखा, यहां सेंस है क्या एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया। ये इस तरह से हमने सेंटेंस को चेंज किया है एक्टिव से पैसिव में। ध्यान रखिएगा कि जो यहां का सब्जेक्ट होता है वो इधर आकर के बाई के बाद आ जाता है, यानी एक न्यू सब्जेक्ट के रूप में चेंज हो जाता है, और यहां जो हमने ऑब्जेक्ट लिया हुआ है वो यहां पर एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है अ लेटर्स। इन बातों को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और पैसिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें हमेशा ही हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं तो समझो पैसिव नहीं। चलिए अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है डिड राम प्लक टू फ्लावर्स। क्या राम ने दो फूलों को तोड़ा, यहां पर फोकस हमारा है राम पर फोकस है। क्या राम ने दो फूलों को तोड़ा। अब जब यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने यहां एज लिया हुआ है न्यू सब्जेक्ट के रूप में, तो जैसे ये यहां पर पहुंचा, अब क्योंकि टू फ्लावर्स यानी कि फूल कितने हैं, दो हैं, और इसलिए हमने जो हेल्पिंग वर्ब यूज किया है वो डब्ल्यू ई आर ए वर्ड है डियर स्टूडेंट्स, और वो भी किसके स्थान पर, डिड के स्थान पर। डिड के स्थान पर यहां पर हमने वर्ड को लिया हुआ है क्योंकि यहां पर जो हमारा न्यू सब्जेक्ट है वो प्लूरल का है, बहुवचन का है। तो यहां सेंटेंस बन रहा है वर टू फ्लावर्स प्लक्ड बाय राम।
यानी क्या दो फूल राम के द्वारा तोड़े गए, क्या दो फूल राम के द्वारा तोड़े गए। यानी यहां पर जो मेन फोकस है हमारा वो है इन टू फ्लावर्स पर, टू फ्लावर्स पर मेन फोकस है, किसने तोड़ा ये एक सेकेंडरी इशू है, बात का मैटर है। और कम्युनिकेशन की दुनिया में देखा जाए तो वहां पर बाय राम लगाना आवश्यक नहीं बनता है, कॉन्टेक्स्ट से ही ये बात स्पष्ट हो जाती है कि हम किस मेंबर किस सदस्य के बारे में बात कर रहे हैं। वेल क्लियर, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। यहां देखते हैं हु प्लग्ड दिस फ्लावर, हु प्लग्ड दिस फ्लावर अर्थात इस फूल को किसने तोड़ा, हु प्लग्ड दिस फ्लावर इस फूल को किसने तोड़ा। अब हमने यहां पर प्रश्नवाचक का यूज किया है, प्रश्नवाचक शब्द का इस्तेमाल किया है, इंटरोगेटिव वर्ड का यूज किया हुआ यहां पर, और उसके बाद कायदे में यहां हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए था डियर, लेकिन हु के पश्चात जब सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, यानी क्वेश्चन है इंटरोगेटिव है लेकिन उसके साथ नेगेटिव नहीं है हु के साथ में, तो हम हु के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। ये बात यहां पर स्पष्ट हो रही है और इसीलिए हमने हु के स्थान पर अब यहां पर बाय होम का यूज किया हुआ है, यानी हु को चेंज किया किस में, बाय होम में। वहां तक कौन, यहां है बाय होम यानी किसके द्वारा, तो बाय होम का जो सेंस है वो क्या होगा, किसके द्वारा। तो बाय होम वॉज दिस फ्लावर प्लग्ड, बाय होम वॉज दिस फ्लावर प्लग्ड, यानी ये फूल किसके द्वारा तोड़ा गया, ये फूल किसके द्वारा तोड़ा गया। और यहां सेंस था उपलब्ध दिस फ्लावर, यह फूल किसने तोड़ा, है ना। मुख्य फोकस हमारा किस पर है, दिस फ्लावर पर, इस फूल को किसने तोड़ा, तो बाय होम वॉज दिस फ्लावर प्लग्ड, ये सेंस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी ही आनी है। अगला सेंटेंस हम लेते हैं, विच पेन डिड यू बाय, विच पेन डिड यू बाय, यानी आपने तुमने कौन सा पेन खरीदा, कौन सा कलम खरीदा डियर स्टूडेंट्स। अब यहां पर जो हमारे पास क्वेश्चन वर्ड है वो हो जाता है विच पेन के सेंस में, विच क्वेश्चन वर्ड है हमारा यहां पर, पेन इसके साथ कनेक्टेड रहेगा, इसे हम अलग नहीं कर सकते हैं अन्यथा सेंस बदल सकता है। तो विच पेन डिड हेल्पिंग वर्ब और यू बाय तुमने खरीदा, ये यहां पर सब्जेक्ट के रूप में है, विच पेन मीन्स कौन सा पेन, यू तुमने खरीदा, चेंज कर रहे हैं विच पेन एज इट इज रहेगा, विच पेन अब यहां पर था डिड और यहां हमने हेल्पिंग वर्ब वॉज को ले लिया है इन प्लेस ऑफ डिड, यानी डिड के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज हो रहा है। तो विच पेन वॉज बॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय यू, यानी तुम्हारे द्वारा कौन सा पेन कौन सा कलम खरीदा गया, तुम्हारे द्वारा कौन सा पेन कौन सा कलम खरीदा गया, ये सेंस यहां पर आ रहा है। वेल अगला सेंटेंस हम लेते हैं, हाउ डिड यू सॉल्व दिस पॉइंट, यानी इस बिंदु को आपने कैसे हल किया, इस बिंदु को आपने कैसे हल किया, कैसे सॉल्व किया, ये सेंस है। यहां पर हाउ क्वेश्चन वर्ड है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, यू आपका सब्जेक्ट है जो कार्य का करने वाला है करता है, सॉल्व मेन वर्ब है, दिस पॉइंट यहां ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। और इस चीज को इस सेंटेंस को हमने यहां पर हाउ को हम एज इट इज रखेंगे, डिड के स्थान पर वॉज आना ही आना है, हाउ वॉज दिस पॉइंट जो यहां ऑब्जेक्ट था यहां हमने सब्जेक्ट के रूप में ले लिया है चर्चा कर लिया है, तो हाउ वॉज दिस पॉइंट सॉल्व बाय यू, हाउ वॉज दिस पॉइंट सॉल्व बाय यू, यानी ये बिंदु आपके द्वारा कैसे हल किया गया, यह बिंदु आपके द्वारा कैसे हल किया गया, ये चर्चा यहां कर रहे हैं, हाउ वॉज दिस पॉइंट सॉल्व बाय यू, ये हुआ सेंटेंस। अगला सेंटेंस है, व्हाई डिड यू नॉट कॉल हिम, व्हाई डिड यू नॉट कॉल हिम, यानी तुमने उसे क्यों नहीं बुलाया, तुमने उसे क्यों नहीं बुलाया, यहां व्हाई क्वेश्चन वर्ड है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट के रूप में है, नॉट नेगेटिव बनाने के लिए है, कॉल मेन वर्ब है और हिम यहां पर ऑब्जेक्ट है। आपको पता है कि जब हिम ऑब्जेक्ट के रूप में है तो जब इसे हम सब्जेक्ट के रूप में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ही, यानी हिम के स्थान पर ही हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड एज इट इज रहेगा, व्हाई अब क्योंकि
ही जो है वो सिंगुलर के केस में आएगा, तो वाई वॉज ही सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता ही है, आप जानते हैं, तो वाई वॉज ही नॉट कॉल्ड बाई यू, वाई वॉज ही नॉट कॉल्ड बाई यू, यानी कि उसको तुम्हारे द्वारा क्यों नहीं बुलाया गया, वाई वॉज ही नॉट कॉल्ड बाई यू, यानी उसको तुम्हारे द्वारा क्यों नहीं बुलाया गया, ये सेंस हमने यहां पर स्पष्ट किया हुआ है डियर स्टूडेंट। तो ये थे आज के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो संबंधित हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, कैसे इनको हम कन्वर्ट करें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, क्योंकि हमारे रोजाना के जीवन में, रूटीन वर्क में, रूटीन लाइफ में कहीं ना कहीं इस प्रकार के सेंटेंसेस का यूज, वो चाहे कम्युनिकेशन हो, स्पोकन हो या हो संबंधित किसी और कॉम्पिटिशन की दुनिया से, तो उनमें हमें इस प्रकार के सेंटेंसेस का सामना अवश्य ही करना पड़ता है। हमने अपना एफर्ट किया है, अपनी कोशिश की है, बेस्ट दिया है कि कहीं ना कहीं ये चीजें आपके लिए आसान हो जाए, सरल हो जाए, इजी हो जाए और इन्हें आप अपनी मुट्ठी में कर सकें। उम्मीद और आशा दोनों है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, और डेफिनेटली यदि ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल के लिए आप नए हैं, पहली बार दस्तक दे रहे हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, तो आप वीडियो को लाइक करने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा भेजे गए सारे वीडियोस आपके दहलीज पर दस्तक देते रहें और आपकी किस्मत के निर्माण में अहम भूमिका निभाते रहें। वेल, मैं हूं आपका अपना इंग्लिश ट्रोनर HM रॉय, और आप तक ये वीडियो पहुंचा है रॉय जिकवे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसके बारे में आपको पता है, इसमें ठाना ही है कि सफलता तो आपको दिलवाना ही है। तो अब ये मिशन फिर से पुनः स्टार्ट हो रहा है और इसके तहत हम अब निश्चित तौर पर कुछ ऐसे अन्य विषय भी शामिल करेंगे जो आने वाली परीक्षाओं, चाहे वो लेखपाल से संबंधित हो, सीटेट यूपीटेट से संबंधित हो या अन्य कॉम्पिटिशन हो, उन सभी में ये आपके लिए बेहद कारगर साबित होंगे। तो वेल, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। जय हिंद, जय भारत।